नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 5000 से अधिक बूथ सेंसिटिव घोषित। बिहार हीट वेव की चपेट में, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आईपीएल के 16 साल हुए पूरे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। पटना हाईकोर्ट में नौकरी का सुनहरा अवसर है। यहां पर बिना किसी परीक्षा या एग्जाम के एग्जाम रिपोर्टर के पद पर सीधी भर्ती ली जा रही है। इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम रिपोर्टर के पद पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती होगी। मालूम हो कि कुल 10 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास 5 साल से लेकर 10 साल तक का कार्य अनुभव होना चाहिए और इसके साथ ही वो संबंधित क्षेत्र में रिटायर्ड अफसर भी होने चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। इसमें कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 5000 से अधिक बूथ सेंसिटिव घोषित। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 15 विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या करीब 5000 है। संवेदनशील बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक का। वहीं सामान्य बूथों पर सुबह के 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 बजे से अधिक समय तक चलेगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में चुनाव में 611 बूथ संवेदनशील घोषित है। बिहार हीट वेव की चपेट में, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार हीट वेव की चपेट में है। यहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्म हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में लोग गर्मी से परेशान हैं। इसी बीच 14 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन पछुआ हवा की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर तक रही। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। अगले 3 से 4 दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं 21 अप्रैल तक बिहार में उष्ण लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, नवादा, खगड़िया, जमुई और बांका जिले में येलो अलर्ट जारी है। बिहार में बाघ और हाथी के दांत के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में बाघ की खाल और हाथी के दांत के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और साथ ही इन्हें गिरफ्तार किया है। 4 गिरफ्तार लोगों में से एक राकेश कुमार मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। इस कारण ये आशंका जताई जा रही है कि बिहार की इन चीजों का इंटरनेशनल लेवल पर स्मगलिंग किया जा रहा है। बरामद बाघ की खाल और हाथी के दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपितों को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया और इसके बाद अब हर बच्चे का आधार कार्ड होगा। जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने में जिले के 16,134 बच्चों का आधार कार्ड बनवाया गया। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए जिले में 46 केंद्रों का चयन हुआ। इनमें से 27 केंद्रों पर आधार कार्ड के निर्माण का कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के हर एक प्रखंड में 2000 केंद्र निर्धारित करने का लक्ष्य तय हुआ है। दरअसल सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के बच्चों का कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए आधार कार्ड दाखिले में अनिवार्य किया गया है। इस कारण स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी लगभग पूरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल बिहार के 4 सीटों पर मतदान होगा। यह वोटर्स उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि इन 4 सीटों पर 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गाड़ियों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। चुनाव प्रसार का शोर अब थम चुका है। आज मतदान कर्मी ईवीएम के साथ बूथों पर रवाना हो रहे हैं। कल सुबह 7 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जमुई में कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इधर औरंगाबाद में
मतदान कर्मी सन्हा परिसर में पहुंचे हैं। यहां से ईवीएम को बूथ पर डिस्पैच करने का काम किया जा रहा है। पहले चरण के मतदान से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को दिए जरूरी टिप्स। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए और यहां उन्होंने वोटिंग से पहले पार्टी के नेताओं को जरूरी टिप्स दिए हैं। जदयू के कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मालूम हो कि कल बिहार में पहले चरण का लोकसभा चुनाव है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए बैठक को चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से राज्य में 40 सीटों पर जीत का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए में शामिल सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साइबर ठग ने सीबीआई अधिकारी बन की घंटों पूछताछ, फिर ऐसे लगाया चूना। साइबर अधिकारी ठगी का नया तरीका ढूंढ रहे। इसी कड़ी में ताजा मामले की बात करें तो पटना में एक युवक को पहले ड्रग्स के नाम से डराया गया और उसके बाद सीबीआई का अफसर बनकर 3 घंटे तक पूछताछ की गई। साइबर ठग के द्वारा केस करने के नाम पर ठग ने पैसे भी ऐंठ लिए। आपको बता दें कि साइबर शातिरों ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 दर्जन से अधिक लोगों के खाते से 1,77,00,000 रुपए की ठगी की है। ये फर्जी पुलिसकर्मी सीबीआई के अधिकारी और मुनाफा का झांसा देकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। डॉक्टर, केंद्रीय सेवा के अफसर, बैंक के अधिकारी सहित कई लोग इनके झांसे में फंस रहे हैं। बिहार में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग में 2 गुने से अधिक का हुआ इजाफा। बिहार में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग में 2 गुने से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2015 से 16 के बीच राज्य में 24.1% परिवार ही परिवार नियोजन का इस्तेमाल किया करते थे। वहीं साल 2019 से 20 में ये बढ़कर 55.8% तक जा चुका है। परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग में मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले सर्वेक्षण में मुजफ्फरपुर के लोग जहां 9.2% परिवार नियोजन के साधन का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं अब यहां के लोग 66.1% तक इन साधनों का उपयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव के 4वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव के 4वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 19 अप्रैल यानी कि कल से पहले चरण का चुनाव है, जबकि 3 मई यानी कि 4वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो चुकी है। इसकी अधिसूचना चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई है। आपको बता दें कि 4वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा। दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रत्याशी सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। 25 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जबकि 26 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। तेजस्वी यादव का बयान, हार के डर से भाजपा बेचैन। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा हार के डर से बेचैन है। इनकी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है, उनकी सभा में भीड़ भी नहीं हो रही है। इस कारण उन्हें इस बात का दुख है, इन्हें कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग चुनाव हार रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश सिंह ठीक कह रहे हैं कि ये लोग साल 2014 में आए थे और साल 2024 में जा रहे हैं। राजद के नेता के पार्टी से इस्तीफे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में आना जाना लगा रहता है, सभी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन टिकट तो एक ही है। भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने डीएम को चिट्ठी लिखकर की ये मांग। भागलपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र में 500 से अधिक शिक्षकों को चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है। 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक विपद बिहार राज्य शिक्षा सोध और प्रशिक्षण परिषद में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। इसका कारण है कि बैलेट पेपर में वोटिंग की तिथि 15 और 16 अप्रैल को निर्धारित है। चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मी को यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि उन्हें फॉर्म 12 जमा करना है। इस कारण कई कर्मी अपना फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। अजीत शर्मा ने इन कर्मियों को आइडेंटिटी के आधार पर मतदान करने के आदेश की मांग की है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर कही ये बात। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला नहीं होगा। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को मेरी शुभकामना है। तेजस्वी यादव के माता पिता बिहार में मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार की जनता ने अगर तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी है तो बिहार में कुछ विभागों की दशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दे, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दे, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय में आने वाले नलियों गलियों की दशा सुधार दे। चिराग पासवान अपनी मां के अपमान पर भड़के। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी मां के अपमान पर भड़क गए। दरअसल तेजस्वी यादव के सभा के दौरान राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा
चिराग पासवान की मां को लेकर अपशब्द का उपयोग किया गया, ये सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान ने हमला बोला है, साथ ही इस घटना की निंदा की है और कहा है कि सभ्य समाज में ऐसी भाषाओं का उपयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। किसी की भी माँ बहन को सरेआम गाली देना महिलाओं का अपमान है, ये साल 1990 के जंगल राज की याद दिलाता है। आईपीएल के 16 साल हुए पूरे, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के आज 16 साल पूरे हो गए। 18 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। समय के साथ आईपीएल में कई तरह के बदलाव भी देखने के मिले हैं। आपको बता दें कि पहले मैच में ब्रैंडन मैककुलम ने 77 गेंदों पर 158 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इन्होंने ही आईपीएल का पहला चौका और छक्का जड़ा था। पहला मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। इसमें ब्रैंडन मैककुलम प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उस मैच में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि केकेआर के कप्तान जहां सौरभ गांगुली थे, वहीं आरसीबी के कप्तान राहुल द्रविड़ थे। इस बार के आईपीएल में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, ब्रजेश कुमार, नवीन कुमार यादव, धर्म सिंगर, मोहम्मद शकीर हुसैन, दीपक कुमार, रवि कुमार राम, ब्रजेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके क्षेत्र में घूमने की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।